हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू कंटिन्यू विद द सम्स। इंट्रोडक्शन पार्ट हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। नाउ एडमिशन ऑफ द पार्टनर, सेकेंड पार्ट विद द सम्स टेक्सचुअल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग। उसके अंदर फर्स्ट सम दिया गया है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो दिए गए हैं। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट। तो यहाँ पर अगर दो पार्टनर पुराने हैं और नया एक पार्टनर आता है, तब सेक्रीफाइस करते हैं ए एंड बी, और ये हिस्सा सी को मिलता है। तब सेक्रीफाइस फाइंड आउट करना रहेगा, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। वेन एवर एडमिशन इज देयर, वी हैव टू फाइंड आउट द सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो के पहले यहाँ पर कुछ दिया नहीं है खास। यहाँ पर सी जो है वो 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट ले रहा है। अब यहाँ पर उसके अलावा खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर का दिया गया है। नाउ वी हैव टू फाइंड इट आउट सेक्रीफाइस रेशियो। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1, और उसके बाद एक फॉर्मूला है, यू हैव टू फाइंड इट आउट रिमेनिंग पार्ट ऑफ पार्टनर्स। पार्ट की जगह पे शेयर्स भी लिख सकते हो। रिमेनिंग शेयर्स ऑफ द पार्टनर इज इक्वल टू टोटल शेयर माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। तो यहाँ पर रिमेनिंग शेयर ऑफ द पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर है ए और बी, उनका हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पर सपोज कर लिया है 1/4 अगर सी ले रहा है, तो सपोज पूरे फर्म का प्रॉफिट 1 है, तो उसमें से सी 1/4 ले रहा है, तो बाकी का हिस्सा बचा, वो हिस्सा ए एंड बी दोनों के बीच में डिवाइड होगा। सो दैट हैव टू मेक द डिनोमिनेटर अलग है, सेम करने के लिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से ऊपर नीचे, देन आफ्टरवर्स 1/4, तो होगा 4 ones are 4 minus 1/4। अब ये डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, सो 4 minus 1/4 is equal to 3/4। तो ये हुआ रिमेनिंग शेयर ऑफ द पार्टनर, मीन्स ए और बी इसमें से नया रेशो लेंगे। नाउ नेक्स्ट अब है कि दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। अब हमारे लिए दूसरा है सेक्रीफाइस फाइंड आउट करने का, उसके लिए भी एक न्यू रेशियो फाइंड करना रहेगा। तो न्यू रेशियो और अ शेयर ए ऑफ ए पार्टनर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर। अब ये खास फॉर्मूला याद रखना है, न्यू शेयर ऑफ द पार्टनर्स इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर यहाँ पर दिया गया, उसमें से शेयर ले लेंगे। सो हियर पहले ए फाइंड कर देंगे, ए इज अ न्यू शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर कितना है 3/4, और ओल्ड शेयर है, ओल्ड शेयर 3:2 है, तो 3:2 है, उसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3/3 + 2 = 5। ओके, तो यहाँ पर होगा 3 3 = 9, 5 4 = 20,
सो हियर एज न्यू शेयर इज इक्वल टू 9/20 हुआ, वैसे ही बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग तो दोनों का सेम रहेगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय ओल्ड इसका कितना है 2/5 ओके तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 3 2 6 5 4 20 ओके नाउ वी हैव गॉट द न्यू रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर और इसका तो मिल चुका है सी का सो न्यू रेशियोज न्यू शेयर्स ऑफ ए बी सी ए का कितना है 9/20 बी का कितना है 6/20 और सी का 1/4 अब ये डिनोमिनेटर अलग है तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्या हो जाएगा 5/20 तो ये सी का हुआ मीन्स नया रेशियो होगा 9:6:5 ओके डिनोमिनेटर्स 20 20 और इसके भी 20 हो गए नाउ सेक्रीफाइस इज इक्वल टू सेक्रीफाइस के लिए एस ओ एन ये फॉर्मूला पहले के पार्ट में बताया था सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू एस ओ एन तो यहाँ पर भी वही होगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर एज सेक्रीफाइस इज इक्वल टू उसका ओल्ड कितना है ओल्ड यहाँ पर 3/5 दिया है माइनस न्यू कितना है न्यू अभी फाइंड किया 9/20 सो वी आर गेटिंग डिनोमिनेटर्स सेम करने के लिए हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से ऊपर भी 4 नीचे भी 4 ओके डिनोमिनेटर्स सेम होंगे 4 3 12 4 5 20 माइनस 9/20 ओके सो हियर वी आर गेटिंग द सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 12 माइनस 9 3/20 तो ये हुआ ए का सेक्रीफाइस वैसे ही बीज सेक्रीफाइस इज इक्वल टू इट्स ओल्ड रेशियो इज 2/5 माइनस यहाँ पर न्यू फाइंड किया है 6/20 तो यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 5 है डिनोमिनेटर अलग है मल्टीप्लाई बाय 4/4 करेंगे तभी डिनोमिनेटर सेम होंगे 4 2 8/20 तो यहाँ पर माइनस 6/20 हो जाएगा सो वी आर गेटिंग द आंसर 8 - 6 2/20 सो हियर सेक्रीफाइस 3/20 एंड 2/20 तो हमें सेक्रीफाइस मिल गया है दैट इज ऑफ 3:2 ओके नाउ नेक्स्ट इज थर्ड नंबर सेकेंड नंबर सम आपका सेम है वैसे ही करना है आपको नाउ थर्ड नंबर सम ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म दे एडमिटेड सी फॉर 1/6 शेयर एज अ न्यू पार्टनर आफ्टर एडमिशन ऑफ सी द न्यू प्रॉफिट शेयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज ऑफ ए एंड बी विल बी 2:3 तो ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो दिया गया है तो हम ऐसा समझ लेंगे कि न्यू ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो नहीं दिया है तो हम क्या मान लेंगे कि दैट हैविंग द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल प्रपोर्शन था वैसा मान लेते हैं पहले भी बताया था जब भी ओल्ड रेशियो ना दिया गया हो तो वी हैव टू एज्यूम दैट दे आर शेयरिंग इक्वली तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे हम
सपोज टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू वन, यहाँ पर सी जो है 1/6 लेता है न्यू. सो हियर फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू टोटल शेयर, टोटल प्रॉफिट माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. यहाँ पर टोटल प्रॉफिट इज ऑफ वन माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर 1/6 दिया है 1/6. सो यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग है, हम 1 के नीचे 1 एज्यूम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे माइनस 1/6. ये क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 है, इसके नीचे भी 6 करने के लिए 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी आर गेटिंग द आंसर 6 1s are 6, 6 1s are 6 -1/6. ओके सो वी आर गेटिंग 6 -1/6, सो वी आर गेटिंग द आंसर 5/6. ओके सो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी आर 5/6, मीन्स ये 5/6 में से अब ए और बी को मिलेगा नया पार्ट. अब दूसरा है न्यू शेयर फाइंड आउट करने का, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स के न्यू शेयर, और दैट इज ऑलरेडी गिवन. न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर. इज न्यू शेयर यहाँ पर इज न्यू शेयर इज we have to find it out. Is equal to 5/6 multiplied by old remaining share, old शेयर, ओल्ड पार्टनर्स शेयर, दैट इज ऑफ 2/5. ये जो है वी हैव टू टेक दैट, टोटल करेंगे 2 रखा है, 2+3 5. ओके सो वी आर गेटिंग 2/5, तो 5 2s are 10, 6 5s are 30. ओके सो वी आर गेटिंग 10/30. नाउ बीज शेयर, वैसे ही बीज न्यू शेयर इज इक्वल टू, बी का न्यू शेयर हम लेंगे, रिमेनिंग शेयर कितना है 5/6 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 2/5 लिया है, वो इसका 8 का था, 3/5 होंगे हमारे 3/5, सो 5 3s are 15/30, सो वी आर गेटिंग दिस. नाउ सीज शेयर वी ऑल हैव न्यू शेयर ऑफ ऑल द पार्टनर्स, न्यू शेयर्स ऑफ ए बी सी, ए का कितना है 10/30, बी का कितना है 15/30, और सी का 1/6 है 1/6. अब 6 और ये, हाँ यहाँ पर 30 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 हो जाएगा, दैट हैव टू मल्टीप्लाई विद 5, 5 1s are 5, और 5 6s are 30. सो दैट इज़ अ न्यू, दैट इज़ अ 10:15:5. Okay, so that is of a new ratio.
Now sacrifice. Sacrifice is equal to old share minus new share. A is a sacrifice is equal to A is a sacrifice, A is old ratio. मैंने बताया था old ratio यहाँ पर कहीं पर नहीं दिया है. So we have to take 1:1 as a old is equal to 1:1. तो 1/2 हो गया minus new. New कितना रखा है हमारा, इसका small form भी बना सकते हैं हम. ये कॉमन टेबल के अंदर किसके अंदर आता है, 5 के टेबल के अंदर आता है. दिस वी कैन मेक इट इन अ मिनिएचर फॉर्म. 5 1s are 5, 5 2s are 10 or 5 3s are 15. सो 2:3:1 हो गया, दैट इज़ ऑफ न्यू रेशियो. देन वी हैव टू टेक इट 3 + 2, 5 + 1, 6. तो यहाँ पर हम लेंगे 2/6. यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग है, एलसीएम निकाल कर डिनोमिनेटर सेम करेंगे और 1/2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 3 - 2/6. 3 से क्यों करते हैं, क्योंकि 6 लाने हैं यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 लाने हैं. 2 3s are 6. तो 3 1s are 3, 3 2s are 6. हो गया डिनोमिनेटर सेम, 2/6. सो वी आर गेटिंग द आंसर 3 - 2, 1/6. ओके, तो ये हुआ ए इज सेक्रीफाइस इज 1:6. अब बी इज सेक्रीफाइस. Is equal to 1/2 - new is of 3/6. 1/2 मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3/6. सो 3 1s are 3 and 3 2s are 6 - 3/6. तो यहाँ पर क्या होगा, 3 और 3 माइनस हो जाएंगे तो 0/6. तो 0/6 मीन्स दैट इज अ नथिंग. तो मीन्स ये बी जो है वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, ए जो है वो ही सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये 1/6 जो है वो पूरा सी को मिल रहा है. सो इज इक्वल टू 1:0 मीन्स ए 1 लेगा और इसका 0 है. सो सेक्रीफाइस ए ओनली सेक्रीफाइंग. सो दिस इज़ अबाउट द सम. 4th आपको होमवर्क में करना है. थैंक यू.